सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक एंड ट्रिक्स में। दोस्तों हम आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मैजिक ट्रिक लेकर आए हैं, जिसे यदि आप सीख गए और अपने दोस्तों को बताते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है या मैजिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, बिना आपकी भावनाओं के ठेस पहुंचाती है वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि ये नोटिस का जादू आखिरकार होता कैसे। दोस्तों पहले हम इस जादू को करके दिखाने वाले हैं, उसके बाद आपको इसका ट्यूटोरियल दे देंगे कि ये जादू कैसे किया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में एक सिंपली नोट है, कागज का वो तो 10 रुपए का नोट है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसी के साथ मैजिक ट्रिक आपको करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों देखते रहिए, सब आपके सामने ही है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने किस कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। दोस्तों इसके अंदर मैं इस पेंसिल को डालने वाला हूँ और निकाल के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं इस पेंसिल को इसके अंदर डाल लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा डाल दिया मैंने। देख सकते हैं दोस्तों आपके पास नोक आ गई हुई। दोस्तों मैं इसको तेज घुसा दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच हमारी पेंसिल इधर आ चुकी है। दोस्तों अब ये कहीं भी हिल डुल नहीं रही है। दोस्तों देख सकते हैं आप कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, देखते रहिए। अब मैं यदि इसको ऊपर निकाल दूंगा तो ये नोट पूरा फट जाएगा, और इसको वापस कर दूंगा तो ये रिप्रेस हो सकता है। पर दोस्तों मैं इस नोट को फाड़ के दिखाऊंगा, मतलब आपको फाड़ने के बाद रिप्रेस करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देखते रहिए ध्यान से, इस पेंसिल को मैं पूरा ऊपर से डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये निकल चुकी है पेंसिल। अब मैं इस पर कुछ मैजिक करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैजिक हो चुका है। अब हमारा ये नोट रिप्लेस करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप मैं इसको सीधा कर लेता हूँ छोटा भाई। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ये नोट वापस सीधा हो चुका है, पूरा रिप्लेस हो गया है पेंसिल डालने के बाद भी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मैजिक ट्रिक? यदि आपको मैजिक ट्रिक अच्छी लगी हो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों इसके ट्यूटोरियल की ओर कि ये जादू आखिरकार होता कैसे। तो दोस्तों चलते हैं ट्यूटोरियल की ओर। दोस्तों इस जादू को सीखने के लिए आपको करना क्या है कि पहले एक ले लेना है, कोई भी एक नोट ले लेना है आपको, 10 का 1000 का 500 का, जो सा भी आपको नोट लेना है वो आप नोट ले सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, और आपको एक पेन या पेंसिल की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों देख सकते हैं ये सीधा नोट रहता है। इसको करना क्या है कि यहाँ से बीच में से थोड़ा फोल्ड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों देखता ही कुछ इस प्रकार से नोट को फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों इस फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको ये वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा यूं कर देना है। तो दोस्तों पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल भी कहीं से भी किसी को दिखता नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं आप, सीधा करूंगा तो कहीं से भी बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस पेंसिल को लेना है और यहाँ से देख लेना है एक कोना इसका, और यहाँ पर इस पेंसिल को ऐसे डाल लेना है। दोस्तों आप डालेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये बीचों बीच में निकल जाएगी। आपका हाथ यहाँ रहना चाहिए, इसको पकड़ लेंगे तो आपकी पेंसिल नीचे गिर जाएगी। यदि नहीं पकड़ते आप ऊपर भी पकड़ सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि ये देखो बिल्कुल सामने से कुछ भी नहीं दिखने वाला है इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसको पेंसिल को डालें, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं इस पेंसिल को। बाकी मैं बेटर मानता हूँ कि इसको आप या तो ऊपर निकालें या वापस नीचे करके निकालें। और दोस्तों आपको कुछ फुर्ती में यूँ कर देना है। दोस्तों ये बिल्कुल भी नस इसकी नहीं दिखनी चाहिए, कुछ ऐसा फोल्ड भी कर सकते हैं आप तो इसकी नस मस कुछ भी नहीं दिखने वाली। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आपको पता ही है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक ले टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।